यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश ना हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश ना हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश ना हो मन में। ला समुंदर फिरौन की सेना पीछे लगे, यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश ना हो मन में। ओ यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश ना हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, निराश ना हो मन में। लाल समुंदर ठहराए, फिरौन की सेना पीछे लगे। लाल समुंदर फिरौन की सेना पीछे लगे, अग्नि जला कर समुद्र सुखा कर जय का झंडा फहराएगा। अग्नि जला कर समुद्र सुखा कर जय का झंडा फहराएगा। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। हो यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। बलवान तुझको घेर लिए, बाल के भोर डराने लगे। बलवान तुझको घेर लिए, बाल के दूर डराने लगे। गिरी हो के कौड़ को अकुवन, निश्चय युद्ध में साथ देगा। यरीहो को तोड़ कर अगुवाई देकर, निश्चय युद्ध में साथ देगा। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। थैंक यू जीसस। थोड़े जो युद्ध की तैयार हो, दुष्टों की सेना करे। थोड़े जो घोड़े जो युद्ध को तैयार हो, दुष्टों की सेना जो वार करे। घोड़े जो युद्ध को तैयार हो, दुष्टों की सेना जो वार करे। घोड़े जो युद्ध को तैयार हो, दुष्टों की सेना जो वार करे। अग्नि ज्वाला बनकर यहोवा, निश्चय युद्ध में साथ देगा। अग्नि की ज्वाला बनकर यहोवा, निश्चय युद्ध में साथ देगा। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। ओ रीबा कशकर बकासी रबहांतरासा, ओ बारा खा लरा बहा आखुबर रखासी हांतु कम बराशा।
बाहल्ला रहा अकती बोहन तक हल्ला रहा अकसी वाजेल रहा बकोती न हल्ला रहा अको पहाती न एक बहाशकर बकोसील रबांद्र कासा। प्रभु यीशु मसीह तूने कहा, तेरे वचन ने कहा है ऐसा जिसके ऊपर जुआ रखा हुआ है, जो पाप का जुआ है, जो गुनाहों का जुआ है, जो दुष्टता अधर्म का जुआ है, जो पिता परमेश्वर के विरोध का जुआ है, वो भारी कठिन है और उसको पार करना मुश्किल है। जो यीशु मसीह कहता है, तेरा वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह, अगर कोई बोझ से लदे हुए वो मेरे पास आए, मैं उनको विश्राम दूंगा। मेरे प्रभु यीशु, मैं तुझसे विनती करती हूँ, जितने लोग बोझ में दबे हुए हैं वो परमेश्वर पिता पाप और गुनाहों के नीचे, दंड के नीचे है, मेरे खुदा परमेश्वर वो अपने मर्जी से परमेश्वर रास्ते चले गए और पिता परमेश्वर वो गड्ढे में गिर गए। अबा वो अंधेरे में भटकाए हुए लेकर गए और पिता वो गड्ढे में हो गए। अबा फादर गॉड वो फंदे में फंसे, अबा फादर गॉड वो हर प्रकार के पिता अब युद्ध में है। अबा फादर गॉड हम तुझसे विनती करते हैं, तूने कहा जो ऑलरेडी दबा हुआ है उसको और मत दबाओ, नहीं तो वो टूट जाएगा। मेरे पिता परमेश्वर, तेरी दया इतनी बड़ी है खुदा, अगर मन फिराया तो तू हर एक परिस्थिति को बदल सकता है। पिता मन फिराने का अभिषेक कर, अनुग्रह कर, उन लोगों के अंदर अपने पाप कबूल होने दे, अपने सारे परमेश्वर पिता बेइज्जत रास्ते चले वो सब अधर्म के काम उनको कबूल होने दे कि उन्होंने ये काम किए, और वो तुझसे माफ़ी मांगने दे। उनके पश्चातापी हृदय खोल पिता, उनको पश्चाताप करने वाले रास्ते से लेकर चल, और उनके मन के फिराव होने दे, उनको तेरी आवाज़ सुनाई दे, वो तेरी आवाज़ सुनते हुए पिता मन फिरा ले खुदा परमेश्वर, और जैसे ही वो मन फिराए खुदा अपनी दया को तुरंत रिलीज कर, और परिस्थिति को इतना झटका लगा कर पलट दे कि जैसा लाल समंदर दुभाग दिया गया था, और वैसा परमेश्वर पिता चमत्कार हो उनके लाइफ में, जो परिस्थिति उनको निगल जाने के लिए निकली है वही काट कर दुभाग कर दी जाए, और उसके बीच में से रास्ता बनाकर वो आगे निकल जाए। मेरे खुदा इतने आगे कि दोबारा वो परिस्थिति उनका पीछा करते हुए ना आ पाए, अगर वो पीछा करे भी तो वो परिस्थितियों में पीछा करने वाला सब कुछ नाश हो जाए। अबा फादर गॉड हम तुझे धन्यवाद करते हैं, कोई लाठ, कोई मूर्ति, कोई नाम, कोई चिन्ह, कोई चमत्कार, कोई दुनिया की शक्ति, कोई पिता संसार के अंदर का कोई भी, कोई आधुनिक पद्धति, इन सारी बातों का कोई लाभ नहीं पिता, जो यीशु मसीह तू हमारे साथ है। अबा फादर गॉड तेरे सामने हर घुटना टिकेगा, हर आधुनिक पद्धति टिक जाएगी तेरे सामने खुदा, घुटने टेक देगी खुदा, हर एक जुबान जो अपने आप को ऊंचा चढ़ाकर पिता परमेश्वर कुछ भी कहता होगा वो सब कुछ झुका दिया जाएगा खुदा, कुछ भी आश्रय स्थान नहीं हो सकता है किसी का, कोई टावर, कोई कहीं का भी खुदा, कुछ भी कहीं पर भी खुदा, कैसे भी कुछ भी रहे खुदा, कोई आर्थिक परिस्थिति, कोई प्रकार के परमेश्वर डींग डॉल, कुछ भी पिता परमेश्वर कुछ काम नहीं आने वाला है, सब कुछ पिता मिट्टी होकर गिर जाने वाला है, ढह दिया जाएगा, रेत का घर वो ढह दिया जाएगा खुदा, उसके अंदर न्यू नहीं है खुदा, वो सिर्फ चलने वाली बातें हैं, वो कहीं पर भी टिकने वाली बातें नहीं है खुदा, वो हवे के झोंके से पिता उड़ा दी जाती है खुदा परमेश्वर, थोड़ी सी हवा की लहर सब कुछ ढह देती है, पत्ते का घर बनाया हुआ जैसा ढह देती है। अब फादर गॉड उनके सारे जगह जहाँ जहाँ उनके पिता भरोसे है, आपत्ति विपत्ति के समय के लिए जो कोई आश्रय है खुदा, वो सब कुछ गिर जाएगा खुदा परमेश्वर, कुछ भी रहने वाला नहीं है। अब फादर गॉड उनके सब कुछ गिरने वाले है खुदा, इतना ही नहीं उनका आत्मिक जगत भी गिरने जा रहा है खुदा, मेरे खुदा उनका जो पिता खाना पीना है, जो कुछ भी पिता परमेश्वर उनका जो बाड़ा है, जो पिता उनका भरोसे का स्थान है, जो उनके परमेश्वर पिता उनके अंदर का विश्वास है, सब कुछ गिरने वाला है खुदा, सब कुछ गिरने वाला है खुदा परमेश्वर,
कुछ भी बचने वाला नहीं है खुदा, खुदा इसके लिए हम तुझसे विनती करते हैं, उनके मन के अंदर मन फिराव का आत्मा दे दे खुदा, मन फिराव के साथ वो निकल आए खुदा, वो यीशु मसीह के अलावा और कोई आश्रय स्थान ना देख पाए खुदा, सब आश्रय स्थान उनके आंखों के सामने पिता फिजिकली फेल होने से पहले उनको दिखा दे वो फेल हो गए हैं खुदा, उनका भरोसा उन पे से निकालने के लिए पिता उनके रास्ते बदल बदल कर लेकर आ, नासरी यीशु के नाम से मांगते हैं खुदा, मन फिराव के समय पिता परमेश्वर उनको कोई आड़े आने मत दे, उनका रास्ता पिता कोई चिंता कोई पिता ऐसी बातें उनको अटकाने मत दे पिता जो उनको मन फिराव से रोके, आबा उनके धन संपत्ति जो रईसों की धन संपत्ति है उनको, उनके प्रॉपर्टी इस्टेट की चिंता है खुदा, उनके वंश परंपराओं की चिंता है उनको रोकने मत दे मेरे खुदा, उनके रिश्तेदार और उनके होने वाले हर एक पिता अलगाव के जीवन के समय के सारे पिता काट छाट देख कर उनको दुख मनाने मत दे खुदा, उनको डरने मत दे, उनको मन फिराव में इतना पिता ताकतवर बना कि वो मन फिराव को पहला स्थान दे और बाकी सब कुछ छूट जाए तो छूट जाए खुदा, परमेश्वर प्राप्त हो यही उनकी धुन रहे खुदा, खुदा यीशु नासरी के नाम से उनके मन को इतना मजबूत कर कि वो तेरी ओर देखते हुए पीछे क्या छूट जाता है इसकी ओर उसका ध्यान ना रहे, आबा उनके अपने पिता जान से प्रिय ऐसे सब कुछ भी कट के निकल जाएगा तो भी उनको डरने मत दे खुदा, मन फिराव में उनका अपना मन लगने दे खुदा परमेश्वर, और उनके प्राण के लिए पिता परमेश्वर जो तूने रखा है उस स्थान पर वो पहुंचने दे, अब फादर गॉड हम तुझसे विनती करते हैं अपनी दया से भर दे उनको परमेश्वर, अपनी दया से घेर ले उनको अपने करुणा निधान परमेश्वर, तू उनका परमेश्वर होने की मैं तुझसे विनती करती हूँ मेरे खुदा, हर विपत्ति हर आपत्ति का आश्रय स्थान, हर नामों के सामने ऊंचा नाम, हर बीमारी के सामने ऊंचा किया गया नाम, हर एक अपने आप को बल चढ़ाकर दिखाने वाले के सामने बलवंत दिखाने वाला नाम एकमात्र यीशु मसीह है, इसके लिए पिता हम तुझसे विनती करते हैं, तेरा नाम उनके जीवन में हम रोप देते हैं और पिता परमेश्वर तेरे नाम की पिता उपज उनके जीवन में हो जाने की हम आज्ञा करते हैं, नासरी यीशु के नाम से हम मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमेन आमेन आमेन।